हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, आईबीपीएस पैटर्न के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर टेम्पररी सपोर्ट इन ब्रोकन बोन इज, इनमें से क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज यूज फॉर टेम्पररी सपोर्ट इन ब्रोकन बोन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन ए। अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज जिप्सम, जिप्सम क्या होता है? तो जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मोहर सॉल्ट, इनमें से कौन सा है मोहर सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला? तो मोहर सॉल्ट होता है आयरन सल्फेट एंड अमोनियम। तो आयरन सल्फेट है सिर्फ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में, फेरस सल्फेट ऑप्शन डी में है एंड ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गए, एंड मोर सॉल्ट में होता है 6H2O, सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ रोचेल सॉल्ट, इनमें से कौन सा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ रोचेल सॉल्ट? तो ये रोचेल सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसमें प्रेजेंट होते हैं 4 कार्बन एटम्स, देन 6 ऑक्सीजन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। ऑप्शन में चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में कार्बन एटम्स 4, 6 ऑक्सीजन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स, C4O6H4। तो ये है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड रोचेल सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड एज ए लैक्सेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइट्रीमेट्रिक मेथड, इनमें से कौन सी टाइट्रीमेट्रिक मेथड में नहीं आती? फ्लोरीमेट्री, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, एसिड बेस, नॉट ए टाइट्रीमेट्रिक मेथड। तो फ्लोरीमेट्री इज नॉट ए टाइट्रीमेट्रिक मेथड। फ्लोरीमेट्री होता है मेजरमेंट ऑफ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर NaHCO3, Na2CO3, K2CO3, NaOH, क्या होता है कॉमन नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा। ये NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा, देन ये होता है सिस्टमिक अल्कलाइजर, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, सिस्टमिक एंटासिड होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन से टैबलेट में यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का? तो इसे यूज करते हैं एफरवेसेंट टैबलेट्स में। ठीक है, एफरवेसेंट टैबलेट कंटेंस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये NaOH होता है कॉस्टिक सोडा। देन क्या आप में से कोई बता सकता है pH ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज एडजस्टेड विथ? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। pH ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज एडजस्टेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज नोन एज मेटास्टेबल, आइसोटोप पीक, बेस पीक, फ्रेगमेंटेशन पीक। क्या बोलते हैं लार्जेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम को? तो इसे बोला जाता है बेस पीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेरियम मिल इज बेरियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, इसे बोलते हैं बेरियम मिल। तो बेरियम मिल होता है बेरियम सल्फेट, ऑप्शन डी। रेडियो ओपेक कंपाउंड यूज एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट इन पेप्टिक अल्सर होता है बेरियम सल्फेट। देन कौन सी लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं बेरियम क्लोराइड का? तो बेरियम क्लोराइड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड यूज इन पोलैरोग्राफिक एनालिसिस इज ए ग्लास इलेक्ट्रोड, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड यूज इन पोलैरोग्राफिक एनालिसिस, तो पोलैरोग्राफिक एनालिसिस में यूज करते हैं ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ हैवी मेटल, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, आयरन और लेड? नॉट द टाइप ऑफ हैवी मेटल, तो हैवी मेटल में आता है आर्सेनिक, मर्क्यूरी, देन लेड, बिस्मथ, कैडमियम, कॉपर, इसमें आयरन नहीं आता, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आयरन इज नॉट द टाइप ऑफ हैवी मेटल। देन आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं गटजेट एपरेटस का। आयरन पॉइजनिंग में कौन से एंटीडॉट का यूज करते हैं? ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, एंटीडॉट यूज्ड इन आयरन पॉइजनिंग।
तो ये होता है डेस्फेरोक्सामाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द स्पेक्ट्रा, मास, NMR, विजिबल, इंफ्रारेड। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द स्पेक्ट्रा, तो फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं इंफ्रारेड का, ऑप्शन डी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का किसके लिए यूज करते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राइन इज ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फाइट। किसका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है ब्राइन, तो ब्राइन होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन नॉर्मल सलाइन कंटेंस 0.9% सोडियम क्लोराइड, नॉर्मल सलाइन में होता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सिस्टेमिक एंटासिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है। ठीक है, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ए pH ऑफ 7 इज शोन विथ ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, येलो कलर। इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ए pH ऑफ 7 इज शोन विथ, तो ये शोन होता है विथ ग्रीन कलर, ऑप्शन बी ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट इज द कॉमन नेम ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट। क्या होता है कॉमन नेम ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम, तो क्लोरिनेटेड लाइम का कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन ए। ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। वॉट इज बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट, ये होता है एस्ट्रिंजेंट। देन एन इंडिकेटर इन बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग रिएजेंट, तो ये भी होता है ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट। देन सब्सटेंस यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अल्गी एंड स्नेल्स, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल सिलेंडर्स फिल्ड विथ नाइट्रस ऑक्साइड फॉर हॉस्पिटल यूज इज पेंटेड इन ब्लू, ग्रे, व्हाइट और ब्लैक कलर। कौन से कलर में पेंट किए जाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स फॉर हॉस्पिटल यूज, तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड विथ ब्लू कलर, ऑप्शन ए। एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड विथ ग्रे कलर, व्हाइट कलर ऑक्सीजन, ब्लैक कलर नाइट्रोजन। एंड नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड विथ ब्लू कलर। ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक, नॉन इरिटेटिंग, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है नाइट्रस ऑक्साइड। देन ये कॉज कराता है हाइपोक्सिया। देन सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ नाइट्रस ऑक्साइड। देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन डेंटल एनाल्जेसिया, डेंटल एनाल्जेसिया में यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट इज मीन्ट बाय अनहाइड्रस सॉल्ट, विथ वाटर, विदाउट वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, विथ अमोनिया। किसे बोला जाता है अनहाइड्रस सॉल्ट, तो अनहाइड्रस सॉल्ट इज विदाउट वाटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग फ्लेम फोटोमेट्री, वोल्टामेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, पोलैरिमेट्री। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, तो इसके लिए यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का, ऑप्शन सी। ये फ्लेम फोटोमेट्री होता है टाइप ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फ्लेम फोटोमेट्री इज ए टाइप ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द बफरिंग एजेंट इन डार्क सोल्यूशन, बोरिक एसिड, क्लोरिनेटेड लाइम, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। बफरिंग एजेंट इन डार्क सोल्यूशन, तो डार्क सोल्यूशन में यूज करते हैं बोरिक एसिड का, ऑप्शन ए। ये बोरिक एसिड होता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ये होता है एसिडिक प्रिजर्वेटिव। किसमें फ्रीली सोल्यूबल होता है बोरिक एसिड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोरिक एसिड इज फ्रीली सोल्यूबल इन, तो ये होता है ग्लिसरीन। देन बोरिक एसिड इज ऑल्सो यूज एज ए बफरिंग एजेंट टू कंट्रोल pH, pH कंट्रोल के लिए यूज करते हैं बोरिक एसिड का। देन डस्टिंग पाउडर कंटेंस बोरिक एसिड,
क्लोरीनेटेड लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर। देन अभी आप मुझे बताएंगे एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूसॉल, क्या होता है ये यूसॉल एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन? तो ये होता है क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, अमोनियम क्लोराइड, ये होता है सिस्टेमिक एसिडिफायर, देन डायूरेटिक, एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ, क्या होता है कॉस्टिक सोडा? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार हमने डिस्कस किया, ये होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, तो स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, म्यूरिएट्रिक एसिड, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट रेड कलर ऑब्टेंड एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन इन वोलहार्ड मेथड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट, फेरिक थियोसाइनेट, अमोनियम थियोसाइनेट। परमानेंट रेड कलर ऑब्टेंड एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन इन वोलहार्ड मेथड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थियोसाइनेट, ऑप्शन सी। वोलहार्ड्स मेथड में जो परमानेंट रेड कलर ऑब्टेंड होता है वो होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थियोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, Fe59, I131, Cobalt-60, Phosphorus-32। डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, तो थायरॉइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए यूज करते हैं आयोडीन-131 का, ऑप्शन बी। आयोडीन-131 होता है रेडियो आइसोटोप ऑफ आयोडीन। अभी आप मुझे बताएंगे हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन-131 का, क्या होती है हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन-131? तो इट हैज़ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ होती है 8 डेज। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे किसमें यूज करते हैं फॉस्फोरस-32 का, तो फॉस्फोरस-32 का यूज करते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स में, पॉलीसाइडेमिया वेरा में यूज करते हैं फॉस्फोरस-32 का। कोबाल्ट-60, तो ये होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। अभी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट-60 कितनी होती है, हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट-60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाइडली एक्सेप्टेड डिटेक्टर इलेक्ट्रोड फॉर पीएच मेजरमेंट्स, प्लैटिनम वायर, ग्लास इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, लैंथेनम फ्लोराइड। वाइडली एक्सेप्टेड डिटेक्टर इलेक्ट्रोड फॉर पीएच मेजरमेंट्स, तो ये होता है ग्लास इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी। ग्लास इलेक्ट्रोड होता है आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। देन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन पोलेरोग्राफिक एनालिसिस, कौन से इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं इन पोलेरोग्राफिक एनालिसिस, तो ये होता है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट, अल्कलाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट? तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन डी। पोटेशियम परमैंगनेट होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4। एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट बाय द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच केमिकल इज यूज्ड एज ए गार्गल, तो ये भी होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। देन कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, डार्क पर्पल। देन पोटेशियम परमैंगनेट इज एसिड बाय टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पोटेशियम परमैंगनेट इज एसिड बाय टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फिल्टरिंग एड, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, मिथाइल सेल्यूलोज, कैओलिन। फिल्टरिंग एड, इनमें से कौन सा है फिल्टरिंग एड? तो फिल्टरिंग एड होता है कैओलिन, ऑप्शन डी। अभी आप मुझे बताएंगे केमिकली कैओलिन इज, क्या होता है केमिकली कैओलिन? तो केमिकली कैओलिन इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। देन सस्पेंडिंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल सोर्स, तो ये भी होता है कैओलिन, ये होता है एडसॉर्बेंट। ठीक है, वॉट इज कैल्शियम कार्बोनेट? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। देन एब्रेसिव एजेंट यूज्ड इन डेंटिफ्राइसेस, तो ये भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट। वॉट इज हाइड्रोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज? तो हाइड्रोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज इज एडेड टू आई ड्रॉप्स, किस लिए ऐड करते हैं इसे आई ड्रॉप्स में?
तो इसे ऐड करते हैं टू एनहेंस विस्कोसिटी, ठीक है। देन मिथाइल सेलुलोज का भी यूज करते हैं इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस टू इंक्रीज ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियोवेव। कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं इन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें यूज करते हैं माइक्रोवेव का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। माइक्रोवेव इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।